पता है समय हमारा इम्तिहान लेता है, सिर्फ आपका या मेरा नहीं, हम सबका। वो इतना देखता है कि हम कितनी शिद्दत से अपनी उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिसको हम लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो समय देखता है कि आप कितनी देर तक उसके लिए रुक सकते हो, कितना वक्त इंतज़ार कर सकते हो, बट ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करो। अगर आप किसी चीज़ से शिद्दत से प्यार करते हो तो हाँ, उसके लिए सब्रन मेहनत भी करनी पड़ती है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत जगहों से, तमिलनाडु की। सांभर, टमाटर चटनी, नारियल चटनी, पोंगल, हलवा, ये आलू का है एंड ये उत्पम है एंड दिस इज ऑब्वियसली। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस आर साक्षी धुंजल। और ऐसे भी मेरा आज का ब्लॉग कब का स्टार्ट हो चुका है ब्रेकफास्ट से, और मैं अपने रूम को बाय बाय कर चुकी हूँ जो मैंने बहुत मेस्ड अप कर दिया था कपड़ों धोने के बाद। मैं जा रही हूँ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ सफ़र की, दैट इज़ अ मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल मेरे यहाँ से है कुछ 3 घंटे का रास्ता, और मैं हूँ इस वक्त रामेश्वरम में। रामेश्वरम में बहुत सारे साइट सीन, मंदिर, अब्दुल कलाम की हिस्ट्री भी है यहाँ पर, क्योंकि अब्दुल कलाम यहाँ बोर्न हुए थे। मैंने बता दिया, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। सो अब्दुल कलाम है राइट आंसर, जिन्होंने अभी तक नहीं गेस कर पाए, उनकी हिस्ट्री भी है और वो यहाँ पे बोन बोट अप हुआ है उनका। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब्दुल कलाम जी के बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। यार कुछ भी कहो, साउथ की सड़कें का कहीं से कंपैरिजन नहीं है पूरी इंडिया में। मीनाक्षी टेम्पल जो कि अपनी कलाकारी के लिए बहुत फेमस है, जिसकी एंट्री 4 गेट से मानी जाती है, और बहुत ही कलरफुल, यू नो, बहुत अलग तरह के कलर्स से बना हुआ टेम्पल, जिसकी अगर हम एंटर करोगे ना गेट पे तो आपको इतने प्यारे स्क्रिप्चर्स देखने को मिलेंगे ना। इट्स इन तमिलनाडु और मदुराई सिटी में। फाइनली रीचिंग टू द मीनाक्षी टेम्पल, दिस इज़ द एंट्री एंड लुक एट दिस। जब इस रोड पर आओगे ना कुछ इस तरह की चहल पहल मिलेगी, और वैसे भी मैं संडे को हूँ, पता है यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत है। इस इंफॉर्मेशन से बोल रहा ना कि ये 4 बजे शाम को खुलता है, और शाम के 9 बजे तक खुलेगा, और 4:30 बजे सुबह खुलता है, और 12 बजे तक खुला रहता है। सो मैं 1 बजे यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अंदर जा पाऊँगी, बट थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। एंट्रेंस पे जब खड़े होगे ना, आपको हर दीवार पे एक अलग आकृति दिखेगी। वैसे अगर मैं और अंदर जाती हूँ, जैसे कि अभी एंट्रेंस सारी मतलब बंद कर दी है, तो पता है अंदर ना बहुत प्यारी आकृति बनी हुई है, बहुत प्यारी प्यारी। देखती हूँ कि मैं 4 घंटे रुकती हूँ कि नहीं। तो आई एम बाइंग अब सब अमरूद सफ़र के लिए। एंड दीदी हिंदी, दीदी हिंदी है ना, हिंदी नो नो, हिंदी गुंजा गुंजा, थोड़ा थोड़ा गुंजा गुंजा। So I found this amazing shop to eat. गाड़ी की पार्किंग जस्ट उस तरफ है, और 100 रुपये पर घंटे की पार्किंग है। So I found this place to eat actually, and मैंने pineapple juice और अपने लिए दाल वड़ा पैक करवाया। So guys, मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है कोहिमकलूर। कोहिमकलूर तमिलनाडु में है, और मैं जा रही हूँ आप लोगों को सरप्राइज देने, क्योंकि वो मेरे प्लान का पार्ट नहीं था, बट मैंने देखा वो 4 घंटे ही दूर था मीनाक्षी टेम्पल से, और बाय रोड 4 घंटे दूर था। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आपको अगर बताऊँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट्स में जब आप ट्रैवल करते हो ना, मतलब आसपास से, तो आप यहाँ टैक्सी ले सकते हो यहाँ तक पहुँचने के लिए। अदरवाइज आप कोहिमकलूर डायरेक्ट फ्लाइट या फिर रेलवे से आ सकते हो, रेलवे सबसे सस्ती है।
बहुत सुंदर वाटरफॉल है। पता है यहाँ पहुँचते ही ना एक खूबसूरत सा एहसास होता है, एक अलग सी वाइब आती है। ऐसा लगता है जगह जैसे आपको ही बुला रही है। आप यहाँ खड़े हो गए ना, कुछ चारों दिशा में ना एक खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। यहाँ खड़े होकर फील करना ही अपने आप में खूबसूरती है। गाइस जस्ट लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मगर मैं कहाँ उतरी हूँ, कीचड़ में। क्यों, यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत देर से। फ्रीक, और मैंने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है पता है। यहाँ की सबसे खास बात बताऊँ आदि योगी की, कि यहाँ पे कोई ना एंट्री फीस नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। एवरीथिंग इज़ फ्री, द पार्किंग इज़ ऑल्सो फ्री। यहाँ पे बुलक कार्ट्स चलती हैं, सो आप बुलक कार्ट्स में भी आ सकते हो इस जगह पर, बुलक कार्ट में बैठ के। और ये रही एंट्री। और बुलक कार्ट के चॉइसेस हैं कि साइड साइड बेसिकली शिव जी को ना योगी माना गया है भगवान से पहले, कि वो एक योगी हैं। और ये मूर्ति आदि है, तो इनको आदि योगी बोला गया इस जगह को, इस मूर्ति को। सो हम निकलते हैं आदि योगी से अपने की तरफ। दिस वाज नॉट इन द प्लान, बट हेलो, बट प्लान में कहाँ से आप लोग, कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम? आदि योगी सर, तेरी नो इंग्लिश, आगे निकला नो इंग्लिश, वाटर रन कुछ यार, वाटर गाइस। अगर आप इस चारों जगह की ओर देखोगे ना, तो ये जगह पूरी की पूरी पर्वतों से ढकी हुई है। मैं चलती हूँ गाड़ी की तरफ, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। सो इट्स टाइम टू गो बैक सीधा दिल्ली कॉन बक्टू से। टूरिस्ट नॉन स्टॉप ड्राइव। सो गाइस आपको ये जगह कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप के बारे में आप जा चुके हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ जाना वर्थ इट है। ये जगह बहुत खूब। मैं रुकी हूँ अरुणा अरुकानी या मल्ला, मैं इसमें रात का डिनर के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। चोको वाला पीनी है, मिलेगी नहीं। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड भूलना मत सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सी या।